उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में लास्ट 6 महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2024 से जून 2024 तक होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर पिक्स के माध्यम से आपको लगातार कई चीजों के अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेल्डिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। यह आविष्कार सौर ऊर्जा पर आधारित है। कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से बहुत ही लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। नीदरलैंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है। राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य दूर संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना और बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का 9.2% योगदान है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। वृंदावन मथुरा में राज्य के पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ एडीजी अनुपम कुलशेष द्वारा किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल है। अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृत और आदित्य यादव को खेल की कैटेगरी के लिए चुना गया है। श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली दो हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। पहला नाम डॉक्टर ऋतु करिधल का है, जिन्होंने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इस मिशन की उप संचालक निदेशक थी। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी हुई थी। कानपुर के नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एयरटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव व नसीम बानो तथा बाबूराम को
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में HPCL के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया। जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख इको पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आवागमन को आसान व सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार व पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया जाएगा। 2 जनवरी 2024 को प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1997 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के राज्य श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। 4 जनवरी 2024 को प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेक्शनल एंड डाइवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, भारत के खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ छावनी में किया गया। केंद्र सरकार ने डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश देश में 4th स्थान पे है। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। केवल 1 साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। 5 साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी देश में 4th नंबर पर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जीके गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिली है। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया है। 8 जनवरी 2024 को सैनिकों के इलाज हेतु AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भारतीय वायु सेवा के मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकल्पित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर है। 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज जो है नियुक्त किया। 30 मार्च 2023 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU के इनोवेशन एंड इक्वेशन सेंटर एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की अंगुलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। अब जो है फरवरी 2024 के करंट अफेयर देखेंगे। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां शामिल हैं। फरवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में विकसित भारत समृद्धि विरासत की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस द्वारा द्वितीय पुरस्कार मिला। नोट देखते हैं, भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृत मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया। फरवरी 2024 में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु राज्य के 3 तीर्थ स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। इस गोल्डन ट्रायंगल में अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी जनपद शामिल है। 3 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने ODOP उत्पादों के प्रचार व बिक्री के लिए ODOP मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य के 17 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा खिलाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में फाइलेरिया को खत्म करने का है। वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 से 5 फरवरी 2024 तक, सहनशाहपुर परिसर में 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया गया है। IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया। IIT कानपुर द्वारा विकसित इस तकनीकी सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। पारुल चौधरी एथलेटिक्स को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। फरवरी 2024 में राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जनपद में खोला गया। यह उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे है। इस कैफे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित कैफे का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। नोएडा में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। यहां आकर बच्चे खेलने के साथ गीता के ज्ञान का भी अनुभव ले सकेंगे।
19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, इसमें भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। 19 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग नए उद्यमी को आकर्षित करने के लिए अपने सौर जैव ईंधन पंप स्टोरेज और ईवी बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट पर काम करेगी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ESMA 1968 लागू किया। सरकार ने यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा किसानों की हड़ताल के दौरान लिया गया। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966, यूपी अधिनियम संख्या 30/1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 19 से 23 में उत्तर प्रदेश को 4 गुना ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मिला है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा गांवों के किसान पिछले 2 महीनों से 64.7% बढ़े हुए भूमि मुआवजे, अपने परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधाओं, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय भूखंडों का उपयोग करने का अनुमति, अपने बच्चों के लिए नौकरी तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR भंडार को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट की ओर रुख करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनाने वाला पहला राज्य होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिनमें अयोध्या में 9 उद्घाटन हवाई अड्डा भी शामिल है। अब जो है मार्च 2024 की करंट अफेयर देखेंगे। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य में यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ष 2017 तक राज्य में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक नए फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मार्च 2024 में राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने के साथ 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। 3 मार्च 2024 को ओखला पक्षी अभ्यारण्य द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस 2024 मनाया गया था। ओखला पक्षी अभयारण्य नोएडा जनपद के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। मार्च 2024 में राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश
सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में प्रारंभिक केंद्र इन शहरों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यापक रूप से बदलाव पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग से योजना तैयार की गई है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माटी कला पुरस्कार कृष्ण कुमार प्रजापति गोरखपुर टेराकोटा धर्मू सोनभद्र मिधभांड और नक्काशीदार फूलदान आजमगढ़ के पुष्पा प्रजापति ब्लैक पोटरी लखनऊ में आयोजित दूसरे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फो के कर्टन रेजर सेरेमनी में प्रदान किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की फबाना खातून अमरोहा के कृष्णपाल एवं मोयरठ के शिशुपाल को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की राज्य स्तरीय ग्रामोद्योगी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी। यह परियोजना सफल होने पर यह नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य का 1/5 पूरा कर लेगी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ठीक है MY युवा योजना शुरू की। इस योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता का संवर्धन करना। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थी सहायता के पात्र होंगे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए है। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वर्चुअल रूप से 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति लाने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन TWS स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रही है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी गई है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे 413 करोड़ रुपए की लागत से एक नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा।
जुराफिक पार्क में डायनासोर, गॉडजिला, किंग कॉन्ग व वूली मैमथ के रियल फाइज मॉडल लगाए जाएंगे, यह यूपी का पहला डायनासोर पार्क होगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम फुहाफ एलवाई थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। यह मूल रूप से कर्नाटक में शिमोगा जिले के रहने वाले हैं। फुहाफ एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर में वर्ष 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। यह पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में खोला गया है। मारुति सुजुकी के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने किया। 10 मार्च 2024 को BCCI के उपाध्यक्ष राजू शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास गाजियाबाद में किया। गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा जिसकी जमीन भी उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ UPCA की है और इसका निर्माण भी UPCA कर रहा है। ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है जबकि इकाना स्टेडियम को PPP मॉडल के तहत बनाया गया है। 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ जनपद से भारत के 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 26 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन 26 चार्जिंग स्टेशनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने कुल 34,000 करोड़ रुपए की नई विकास पहलों का उद्घाटन किया जिसमें प्रदेश के कुछ जिले भी शामिल हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश भर में कई हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए जमीनी कार्य शुरू किया। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, फरोस्ती और आदमपुर सहित हवाई अड्डों पर 12 नए टर्मिनल भवनों का अनावरण किया। मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायफ सिटी करने और कई मध्यवर्ती रेलवे स्टेशन जैसे जायफ का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिश्रौली का नाम माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पाफी, अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम करने का सुझाव दिया गया। वारिफगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वरनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को अपने ई मोबिलिटी पुश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राज्य के अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की है। पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5,000 ई बसें तैनात की जाएंगी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 100 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गईं जिनमें 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट तथा महोबा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। अकेले झांसी जिले में 3 सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। झांसी जिले में टिस्को द्वारा 3430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिससे 300 रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के
आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में 17 मई 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जो है लागू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 5 चरणों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्त होगा, जिसे अक्सर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार वर्तमान में वित्त एवं मूलभूत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। मार्च 2024 में यूपी पुलिस के ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाया है। त्रिनेत्र के डेटाबेस में अब तक 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं। फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्ध की तेजी से पहचान करने की क्षमता होगी। इसका उपयोग इंस्पेक्टर और उसके ऊपर रैंक के सभी पुलिसकर्मी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वर्तमान छात्रों को पंजीकृत करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। साथ में ही मदरसा का प्रबंधन शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल लागत खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। कुल आपका जो है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 5 करोड़ जो है 17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिसमें से आपका जो है 74 लाख जो है 74 लाख जो सात करोड़ 43 लाख 82,304 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। राज्य इस महत्वपूर्ण पहल को लागू करने में अग्रणी बनकर उभरा है। अप्रैल 2024 के करंट अफेयर देखेंगे अब। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार की घोषणा में गेहूं खरीद के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों को गैर पारंपरिक राज्य बताया गया है। चालू विपणन वर्ष 2024-25 में सरकार ने खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद का लक्ष्य 16% इन तीन प्रदेशों में से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रदेश के बरेली प्रशासन द्वारा माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया। माई बूथ ऐप मतदान केंद्रों के बारे में मतदाताओं को कतार में इंतजार के समय की जानकारी प्रदान करता है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियों, पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को 75,000 रुपये एक मुफ्त अनुदान प्रदान करना है। अप्रैल 2024 में राज्य सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र छात्रा की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। अप्रैल 2024 में रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लमही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल की नई प्रजाति विकसित की है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को बचाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन जो है से अधिक
तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों खरीफ रबी और जैद में राज्य का मक्का उत्पादन 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है। अप्रैल 2024 में भारत बांग्लादेश श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी की फातवी ISARC समन्वय समिति की बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए IPRI के अंतरिम महानिदेशक ने कहा कि ISARC दक्षिण एशिया क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी शोधों के लिए एक फाच आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाले चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अप्रैल 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT ने एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता AG अर्धे नुदोली कुमार प्रसाद ने पद से इस्तीफा दे दिया। AAG के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में UP के लिए अस्थायी वकील के रूप में कार्य किया था। अप्रैल 2024 में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF द्वारा 13 एवं 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काफी की नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने व इनका प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया। अप्रैल 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके समझौते के अंतर्गत AFMF और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के लिए परस्पर सहयोग करेंगे। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट विद्युत का व्यापार किया है। उच्च ऊर्जा मांग अवधि अप्रैल अक्टूबर के दौरान लगभग 4000 MU की आपूर्ति की जाएगी। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गर्मी के दौरान गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन की तैयारियों के लिए सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द किए। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अप्रैल 2024 में प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अनुसार वे जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रयागराज में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति गारंटी दे रहे हैं। खराब ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाली विद्युत कटौती को रोकने के लिए प्रयागराज के शहरी क्षेत्र को 294 नए ट्रांसफार्मर मिले हैं। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैमुअल हैनीमैन की 269वीं जयंती मनाई गई, जिन्हें व्यापक रूप से होम्योपैथी के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। वर्ष 2028 तक राज्य की वार्षिक पर्यटन संख्या 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल 2024 में डाक विभाग एवं प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया। भगवान राम जैसी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों वाले टिकट संग्रह लोगों और उनकी विरासत के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग वाले उत्पादों वाले राज्यों के रूप में अपना स्थान जो है बरकरार रखा है।
इसमें काफी वाराणसी की प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी शामिल है, जो एक तिरंगे रंग की मिठाई है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश में GISTAG प्रमाण पत्र करने वाले अन्य उत्पादों में बनारस मेटल कॉस्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेत एवं बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल है। अप्रैल 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। IIA टीम ने सूर्य की स्थित ऑप्टिकल प्रशासनिक सिस्टम के डिजाइन व सिस्टम उपयोग की गणना की और फाइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 में होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ के लिए अभिषेक कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने कुंभ क्षेत्र में आवास की व्यवस्था के अलावा शहर में लग्जरी होटलों का निर्माण किया जा रहा है। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में आता है। मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे। मई 2024 तक राज्य के अमेठी जनपद स्थित कोरवा में बनाई गई असेंबल 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंपी गई। मई 2024 में काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता किया है। मई 2024 में यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ 3 और अन्य लोगों को मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा और तमिलनाडु के बिनफा उमाशंकर को भी शामिल किया गया। मई 2024 में वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटककर अलीगंज गांव में आ गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह तेंदुओं और बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल है। रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिन्हित है। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में फाइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक फाइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर फाइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में फाइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। मई 2024 में राज्य के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जरा चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राम मशीनों का अनावरण किया। निःशुल्क इन हाउस बेडफाइट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और फिप्रोमेट्रो सेवाओं के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर और कमजोरी के मूल्यांकन के लिए हैंड ग्रिप डायनोमीटर प्रदान करता है। यह सभी सेवाएँ बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। 4 मई 2024 को मनाई जाने वाली वल्लभाचार्य जयंती प्रसिद्ध हिंद विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी को समर्पित है। वल्लभाचार्य को वेदों उपनिषदों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें वल्लभ तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी गई थी। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। उन्होंने भारत के वज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पंथ वैष्णववाद के पुष्ट संप्रदाय की भी स्थापना की। 10 मई 2024 को प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक परिसर में एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबर टेक इंडिया प्राइवेट के साथ एक समझौता किया है। मई 2024 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दृश्य कला संकाय फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग के 4 छात्रों जयदेव दास, नॉडी जूडिज गोम्ज, फराज इमरान और निहारिका अहोना बरसात की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया, जिसमें लगभग 25 पेंटिंग प्रदर्शित की गई। मई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ADIA ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम
नामक एक प्रणाली शुरू की जो 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भव योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम है। प्राधिकरण के अनुसार बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए तेज, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करके भवन मानचित्रों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। मई 2024 में बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण सुंदरबन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। अध्ययन का शीर्षक है एसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ऑफ एटमोस्फेरिक एरोसॉल ओवर द रिमोट मैंग्रोव इकोसिस्टम ड्यूरिंग द एडवेक्शन ऑफ एंथ्रोपोजिक प्लम्स, अर्थात मानव जनित पिच्छक यानी प्लम्सेस के संवहनीय तरंगों के कारण दूरस्थ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर वायुमंडलीय एरोसोल की अम्लता और ऑक्सीकारक संभावना। राज्य के प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब FSH लैब स्थापित होने वाला है जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। वर्तमान में प्रयागराज जिले में केवल मोतीलाल नेहरू MLN मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित एक SSF लैब है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2024 में वायुसेना के विशेष बल गरुण कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुण रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर GRTC वायुसेना स्टेशन चांदी नगर उत्तर प्रदेश में मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक इंक्यूबेटर योजना पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड UPTCL ने वित्त वर्ष 2024 में 220 kV या इससे अधिक क्षमता वाली 1640 CKM सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया जो अन्य राज्य उपयोगिताओं की तुलना में अधिक है। मई 2024 में राज्य के प्रयागराज नगर निगम PMC ने स्मार्ट सिटी प्रयागराज में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA लोक निर्माण विभाग PWD उत्तर मध्य रेलवे NCR और जल निगम सहित 9 विभागों को नोटिस जारी किया। नोटिस में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का रिट नंबर शामिल है। निर्माण स्थलों को कवर करने के लिए हरे पर्दों का उपयोग करके स्प्रिंकल मशीनों के साथ नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने, सड़क की मशीन की सफाई करने और धूल को कम करने जैसे उपायों को लागू करने की सलाह दी गई है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल क्षेत्र के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 54.03% मतदान दर्ज किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार समान सीटों के लिए मतदान प्रतिशत 2019 के मतदान प्रतिशत 54.49 से थोड़ा कम हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में $2 बिलियन 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश का लक्ष्य बना रही है। विमान रखरखाव, विमानन प्रशिक्षण, एयरो स्पोर्ट्स जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा प्रस्तावित निवेशकों का उपयोग मौजूदा हवाई पट्टियों को विकसित करने तथा उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। जून 2024 के करंट अफेयर देखेंगे। पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से 2029 तक MotoGP भारत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के सरस्वती बलरामपुर गोंडा जिलों में स्थित है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जनपद में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया। 20 जून 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2869 करोड़ रुपये मंजूर किए। जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल
सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि पक्षियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। जून 2024 में वीवो कंपनी राज्य के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुई हैं। जून 2024 में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर में घाटमपुर के नेवली पावर प्लांट में दिसंबर से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 22 जून 2024 को संत कबीर दास की 645वीं जयंती मनाई गई। इनका नाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। सॉरी फॉर दैट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्मसिटी विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने टाटा सन्स की अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के 650 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को डेट्रॉयट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान शीर्ष राज्य हैं। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना राशि का 95% तक परिषद बैंकों द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।